Good morning all of you. This lecture is related to the motivation and what is the difference between motivation and just like our meditation. हम डेली बात करते हैं कि हमें एक मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन से हमारे लिए कई टाइप के फायदे हैं, पर हम ऑलवेज ये क्यों नहीं कंसीडर कर सकते हैं कि मेडिटेशन के साथ डेली मुझे मोटिवेट भी होना है। अब एक सिंपल सी बात आती है कि हम डिफरेंट टाइप की कंसीडरेशन लेते हैं कि मोटिवेशन क्या है। मैं आज आकर आपके पास यहाँ पर लेक्चर देता हूँ और आप उस चीज़ को बिल्कुल समझ जाते हैं और आज के दिन के लिए आप मोटिवेट हो गए, पर क्या ये कंप्लीट मोटिवेशन है? क्या इस चीज को आप ये मान सकते हैं कि मैं डेली के लिए मोटिवेट हो गया हूँ या जो भी मुझे अब करना है वो एक पॉजिटिविटी के साथ ही मैं डेली करूंगा? तो मोटिवेशन ऑलवेज एक रिलेटेड होता है पॉजिटिविटी से, और पॉजिटिविटी है पॉजिटिव एक्टिविटी। आप डेली एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी है, और कहीं ना कहीं आप उसी से एक मोटिवेशन मिलेगा और आप उसी से मोटिवेट होंगे। हम डेली एक देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के हम पेपर्स को पढ़ते हैं, अखबार को पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के पेपर्स होते हैं, मैगजीन होती है, और हम एक ये देखते हैं कि उसमें कई टाइप की हमें निगेटिविटी वाली खबरें मिलती हैं। अब जब निगेटिविटी वाली खबरें मिल रही हैं, आजकल हम एक देख रहे हैं कि कुछ जो बड़े बड़े न्यूज पेपर एक कॉलम जस्ट निकालते हैं कि जो भी खबर होगी वो एक पॉजिटिविटी के साथ होगी। तो क्या उनका ये कहना है कि मैं पेपर में कोई भी निगेटिव न्यूज नहीं दूंगा या जो भी न्यूज होगी वो पॉजिटिविटी से रिलेटेड होगी? उनका ये कहना नहीं है। उनका कहना ये है कि जो भी खबर मिल रही है, आपको निगेटिव भी मिल रही है, तो आपको उसको पॉजिटिविटी में ही कन्वर्ट करना है, और यही एक सिंपल टाइप की पॉजिटिविटी है। हम कभी भी, यदि मैं आपको एक आज समझा कर चला जाता हूँ कि आपके लिए ये एक पॉजिटिव कंडीशन है और आपको डेली उसको फॉलो करना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज हम जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे और हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि क्या हम अपने मन में एक पॉजिटिविटी को भर सकते हैं। मान लीजिए हम आजकल डिफरेंट टाइप की कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रबल की कंडीशन होती है, जैसे हम एक डेली पेपर में पढ़ते हैं कि आज एक दसवीं में एक बच्चा फेल हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। हमने जैसे ही उसको पेपर में पढ़ा, या हमारे घर में जो हमारे मदर फादर्स ने उस पेपर को पढ़ा, उसके साथ उनके माइंड में एक आता है कि खबरें आजकल कितनी बेकार हो गई हैं या पेपर पढ़ने का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा। फिर उसके साथ एक और कॉलम होता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई या उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। तो क्या यही चीज़ें हम निगेटिविटी से ना पढ़कर उसको पॉजिटिविटी के फॉर्म में पढ़ें? इसका सबसे बेटर व्यू ये होगा कि जैसे ही हमने ये देखा कि एक दसवीं में एक बच्चा जब फेल होता है उसके बाद वो खुदकुशी कर लेता है और उसका जो बैड इफेक्ट है उसकी पूरी फैमिली पर पड़ रहा है, तो सबसे बेटर हम उस नेगेटिविटी को अपने लिए एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पॉजिटिविटी इन द सेंस कि यदि मेरे साथ कुछ भी गलत होता है इन द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू और द लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, पर मुझे उसके बाद भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है, ये उस दिन की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होगी। और जैसे ही ये पॉजिटिविटी हमारे माइंड में आएगी, तो शायद हम एक पेपर में जब कोई नेगेटिव खबर को भी पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर में ही कन्वर्ट हो जाएगी। इसका बहुत ही बेटर एग्जांपल, और इस लेक्चर में मैं बहुत से ऐसे एग्जांपल लूंगा जो हमारे साथ क्रिकेट से रिलेटेड होगा, क्योंकि आज के समय में आई थिंक भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं, एक जुनून है और एक धर्म है। और किसी भी चीज को यदि हमें क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू या एक जनरल लाइफ में बॉलीवुड या हॉलीवुड से रिलेटेड यदि मैं एक्सप्लेन करूं तो आई थिंक उसको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। अभी एक लास्ट टेस्ट खत्म हुआ चेन्नई में, उस समय हमें ये पता था कि जो हमारे यहाँ के टॉप बॉलर है अश्विन, उनको 2 या 3 विकेट चाहिए जिससे वो फास्टेस्ट 250 के रिकॉर्ड को क्रॉस कर लेंगे। अब उसके बाद हुआ ये कि उस टेस्ट मैच में उसको केवल 1 या 2 विकेट मिले। कुछ लोगों की खबरें आने लगी कि अरे टर्न नहीं हो रही थी, अश्विन उसमें विकेट नहीं ले सकता, पर उसमें भी एक पॉजिटिविटी ये थी कि वो जो एक ऐसा प्लेयर है जो आई थिंक इंडिया को आगे भी बहुत ही बेटर वे में मोटिवेट कर सकता है या एक रोल मॉडल बन सकता है, तब उस केस में भी उस टेस्ट में उसको 2 विकेट मिले हैं या 1 विकेट मिला है, तो आई थिंक हो सकता है कि वो अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करेगा और वो शायद उसी चीज को और पॉजिटिविटी के वे में ले। तो जो एक रिकॉर्ड उसका एक टेस्ट पहले बनना चाहिए था कुछ अच्छे के लिए, वो शायद एक टेस्ट बाद भी मिल सकता है। तो उस केस में वो एक पॉजिटिविटी हमें फाइंड आउट करना है कि कोई चीज यदि नेगेटिव भी हो रही है तो अब उसको पॉजिटिविटी के वे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी हम एक बेटर एग्जांपल देख सकते हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले 2020 का वर्ल्ड कप हुआ, ब्रेंड जो एक स्टॉक्स था, बॉलर जो एक इंग्लैंड का बॉलर था, लास्ट की 4 बॉलों पर उसको 4 छक्के पड़े। यदि मैं एक 10th के बच्चे की तरह बात करूं कि जो एक फेल हो जाता है उसके बाद एक खुदकुशी कर लेता है, तो उस केस में हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते थे कि आई थिंक स्टॉक्स को भी बाहर जाकर खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, पर उसने उस चीज को नेगेटिविटी ली, क्योंकि एक जो 10th की बात हो रही है, एक जो 11th या 12th के एक बच्चे की बात हो रही है कि जो जैसे ही खुदकुशी कर लेता है तो शायद उसका इफेक्ट केवल उसकी फैमिली पर या ऑन सेल्फ उस पर पड़ रहा था, पर एक स्टोक्स है और उसकी गेंद पर जब 4 छक्के पड़े तो शायद वो पूरे एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसका इफेक्ट होल द कंट्री पर पड़ रहा था। तो आई थिंक उसको तो ये करना चाहिए था कि वहीं के वहीं खुदकुशी कर लेता, पर बेटर क्या था, उसने उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला। और आई थिंक कुछ ही दिनों पहले पेपर में आया कि आईसीसी की जो रैंकिंग की टीम थी, जो 11 प्लेयर थे उस ईयर्स के, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है।
तो एक नॉर्मल वे में हम एक नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जैसे कई चीजों को देखते हैं, हम ऑलवेज ये कंडीशन देखते हैं कि हम एक हमारे अंदर एक फेलियर है, हम फेलियर को कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर ये है कि हम फेल हो गए कोई बात नहीं, पर क्या हम उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं? हर कोई फेल होता है, आइंस्टीन भी फेल हुए थे, अब्दुल कलाम साहब भी फेल हुए होंगे, या किसी कंडीशन फेल का यहाँ जनरल सा मीनिंग ये नहीं होगा कि ग्रेडिंग उनकी कमाई है वो फेल हो गए। आपने एक काम आज स्टार्ट किया और आप उसमें फेल हो जाते हैं, वो भी अपने आप में एक फेलियर है, पर जरूरत क्या है हम उसके बाद उसको आगे बढ़ाएं। एक बार हम फेल हो रहे हैं कोई बात नहीं, 10 बार हम फेल होंगे उसके बाद भी कोई बात नहीं, पर सबसे बड़ा जज्बा है कि हम उस काम को आगे बढ़ाएं, और यही एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होती है। पॉजिटिविटी कभी भी एक कॉपी में एक लाइन पढ़ने से नहीं आएगी, या मैं आपको आज एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा उससे नहीं आएगी, वो आपको अंदर से देखना है कि आप कितनी पॉजिटिव एक्टिविटी को दिन ब दिन परफॉर्म कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं अपने काम से, वो एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होगी। हम जैसे एक देखते हैं कि सफलता सभी चाहते हैं, पर बेटर तरीके से कब मिलती है? जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं। हम ऑलवेज देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो हॉलीवुड बॉलीवुड से या किसी खेल की दुनिया से हो या पॉलिटिक्स से हो, हम ऑलवेज कहते हैं कि वाह कितनी अच्छी लाइफ है उनकी। शाहरुख खान को देखते हैं, उनके चारों तरफ एक भीड़ सी आ जाती है और उसके बाद देखते हैं देखो क्या इसकी जिंदगी चल रही है, पर कभी भी किसी ने यह सोचा है कि यहां तक पहुंचने में शाहरुख खान को क्या टाइम लगा था, या उसके पीछे उसकी क्या मेहनत है और उस मेहनत के कारण उसको क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ी। एक जनरल सी वे में हम एक देखते हैं या यंगस्टर को देखते हैं, बहुत तेज बाइक चला के आगे चले जाते हैं, तो वो जो टाइम आपने बचाया है तेज बाइक चला के, या सबसे बेटर ये था कि उसको अदर वे में हम ये बोले कि अपनी जान को भी जोखिम में डालकर आपने शायद 2 मिनट बचा लिए, पर आप अब उस 2 मिनट को जो आपने बचाया था उसको आप कहां लगा रहे हैं, किस बेटर काम में उसको आप लगा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब ये चीजें हम इंपॉर्टेंस हम इस वे में देखें कि ठीक है मैं 2 मिनट बचा तो रहा हूं, पर मैं उसको किस वे में यूज कर रहा हूं, वो एक आपके लिए मोटिवेशन होगा, वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी होगी। और जिस दिन हमने ये शुरू कर दिया, आई थिंक हमें किसी भी ऐसे एक लेक्चर की जरूरत नहीं होगी, किसी बुक की जरूरत नहीं होगी कि जो मुझे मोटिवेट कर पाए, हम अपने आप खुद मोटिवेट होंगे। आगे की जो भी कंडीशन होगी, यदि हमारी लाइफ में कोई फेलियर आ रही है तो उसको भी हम अपने आप में इंप्रूव करेंगे। कभी भी लाइफ में ये कोई शर्म की बात नहीं है कि मुझे ये नहीं आता, सबसे बड़ी जो शर्म की बात है वो ये है कि हम सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हर लोग हम एक इंटरव्यू देने जाते हैं, कई बार एक होता है कि कोई भी यदि हमसे एक इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे नहीं बनते, एक सिंपल सी बात है, पर मोस्टली कई बार एक और कंडीशन होती है जिनसे क्वेश्चन नहीं बने उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद बाहर आकर एक जनरल सी बात होती है कि शायद उसका कहीं पर सोर्स होगा या उसने कुछ सिफारिश के थ्रू अपने इंटरव्यू को सिलेक्ट करवा लिया होगा, पर क्या यही था? नहीं, ये चीजें नहीं थी। जब इंटरव्यूअर किसी भी इंटरव्यू को लेता है तो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो है उसका कॉन्फिडेंस, या जो भी कैंडिडेट आया उसका कॉन्फिडेंस क्या है, क्योंकि जब वो अपनी कंपनी के लिए या किसी भी कंडीशन या उसको जब वो सिलेक्ट करेगा तो उसको ये नहीं करना है कि 2 और 2 4 क्या होते हैं या पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होते हैं या न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं, वो डेली ये नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि जब उसकी कंपनी में खराब से खराब कंडीशन भी आ रही है तो वो खुद के काम को या खुद के जज्बे को कैसे इंप्रूव करता है, या उसके इस कॉन्फिडेंस से उस कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे बेटर ये है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस को जैसे ही आप डेवलप कर रहे हैं आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई है। कई बार हम एक जनरल से एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई भी एक बिल्कुल डिसेंट सा आदमी टाई माई लगा के सामने खड़ा हुआ, सामने से वो दिख रहा, हम बोलते हैं कितना डिसेंट है, पर वो डिसेंट नहीं है, या हम एक ये बोलते हैं कि हाँ यार देखो उसके ऊपर ये कितने अच्छे कपड़े लग रहे हैं, पर कभी गौर से देखना वो कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा है, और जो कॉन्फिडेंस के कारण है इस कारण उसने कोई भी कपड़े पहने हुए वो उसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यदि अपने माइंड में एक पॉजिटिविटी को लेकर आना है तो सबसे बेटर ये होगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, और कॉन्फिडेंस ऑलवेज उस तरीके से बढ़ेगा जब आप उसको एक पॉजिटिव एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। आपको कभी भी कुछ उल्टा नहीं सोचना है, यदि एक नेगेटिविटी भी आपके माइंड में बन रही है तो आपको उसको पॉजिटिविटी में ही कन्वर्ट करना है। हम कई बार ये देखते हैं या डेली हम भगवान के पास जाते हैं और हम ये बोलते हैं कि मुश्किलें हमारे ही जीवन में क्यों आ रही हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि मुश्किलें हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब तक आपके जीवन में चुनौती नहीं आएगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं। एक हमने दिया, एडमिशन लिया, एडमिशन के बाद कुछ आपके मिड टर्म हुए, कुछ आपके टेस्ट हुए, टेस्ट के बाद फिर एक मैन एग्जाम हुआ, इंटरनल वाइवा हुआ, एक्सटर्नल वाइवा हुआ, तो ये आपके लिए क्या थी? चुनौती थी।
क्या मैं एक नॉर्मल से वे में हम सभी बोलते हैं कि शिक्षा जगत में कभी भी एग्जाम की प्रोसेस को शायद एंड कर देना चाहिए, और कुछ कंट्रीज बोलते हैं कि जो परफॉर्मेंस इंडिकेशन है वो आपके रिटेन एग्जाम के बल पर ना होकर वो केवल इंटरव्यू पर हो। पर क्या कभी भी हमने ये चीज सोची है कि यदि एक रिटेन एग्जाम नहीं होगा तो क्या हम पढ़ाई करेंगे? शायद ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक जनरल सी एक टेंडेंसी बन चुकी है कि जब तक पीछे से हमें कोई धक्का ना दे जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसी रीजन से एक जो पॉजिटिविटी है, एक मोटिवेशन है, वो हमारे लिए एक किक की तरह काम करती है। पर यदि किक की तरह कोई मुझे काम कर रहा है तो वो किक हम खुद को ही क्यों नहीं दे रहे हैं? हम यदि अपने काम को बहुत ही बेटर वे में करें, एक पॉजिटिविटी के साथ करें, तो आई थिंक हमें जरूरत ही नहीं है कि कोई निगेटिव न्यूज या निगेटिव बातें हमारे लिए कुछ भी प्रभाव छोड़ पाएंगी या हमारे ऊपर कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगी। हम ऑलवेज एक कंडीशन को देखते हैं, हम ये बोलते हैं कि हाँ मैं एक पास हो गया हूँ, पर उस पास के लिए आपने क्या कीमत चुकाई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हम ये समझ गए उसके आगे की चीजें भी ये होंगी और हमें एक लत लग जाएगी कि अब हमें डेली पास होना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक आदमी असफल हो जाता है, असफलता उसके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है, या जस्ट वो एक मोटिवेट भी आगे चल के नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये सब हो गया, मैं गया और मैंने उसके साथ कोई दो वर्ड बोले और शायद वो उसके बाद मोटिवेट हो गया, उसको एक सफलता मिली, पर क्या एक सफलता उसके जीवन को बदल देगी? वो एक सफलता उसके जीवन को नहीं बदल सकती है। उसके बाद बेटर क्या होगा कि जब उसको सफलता की आदत लग जाएगी, और आदत किससे लगेगी? मेहनत से। एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक असफलता आपके जीवन को बदल सकती है, पर एक सफलता आपके जीवन को पूरी तरीके से नहीं बदल सकती है। तो बेटर ये है कि हम एक यदि इस लेक्चर को या एक मोटिवेशनल लेक्चर को हम एक स्टूडेंट प्रोस्पेक्टस से देखें, तो आपको कंटिन्यू काम करना ही पड़ेगा, आपको कंटिन्यू स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। एक जनरल सी बात हम कई बार देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरे पास, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे तो बिजनेस करना है, पर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है। तो क्या उस चीज़ में हम ये नहीं कर सकते कि हम पहले पढ़ लें उसके बाद हम बिजनेस करें? क्योंकि उस पढ़ने के बाद यदि मैं कुछ अपना खुद का भी काम करता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं से कुछ साधन ऐसे मिलेंगे जिससे मैं पैसा कमा सकता हूं और उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा सकता हूं। हम एक जनरल से ही बात करते हैं कि मान लीजिए मैं एक इंटरव्यू देने गया और मैं 5 मिनट लेट होता हूं, 5 मिनट में लेट हो गया, उसके बाद इंटरव्यूअर ने जस्ट कुछ भी मुझसे नहीं पूछा और उसके बाद मुझे उसने बाहर कर दिया। बाहर आके हमने बोला कि उसकी यार पहले से सेटिंग थी और उसने और किसी को सिलेक्ट कर लिया। पर हमने कभी भी ये सोचा है क्या कि इंटरव्यू ने मुझे खुद क्यों बाहर कर दिया या किसी भी कैंडिडेट को क्यों बाहर कर दिया? इसका सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि जब आप लेट हुए तो उसने एक चीज़ अपने माइंड में बिठा ली थी कि जो अपनी खुद की कद्र नहीं कर सका वो मेरी कंपनी की या ऑफिस की कद्र क्या करेगा। तो जब वो खुद के एक टाइम की वैल्यू को नहीं समझ रहा है तो वो मेरी वैल्यू क्या समझेगा? तो बेटर ये है कि जब हम एक मोटिवेशन या पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट जितना बेटर वे में डेवलप करेंगे उतनी आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। अब कई बार एक माइंड में आता है कि टाइम मैनेजमेंट से पॉजिटिविटी कैसे आएगी? आप सुबह उठते हैं, आपके पास समथिंग 24 आवर्स हैं, 8 आवर्स आप चलिए कहीं वर्किंग करते हैं, उसके बाद भी आपके पास कुछ टाइम बचता है। मुझे सुबह से ये पता है कि मुझे आज ये काम निपटाने हैं, पर मुझे ये भी पता है कि मुझे किस में कितना टाइम लगेगा। एक दिन जरा आप ये करके देखिए कि सुबह से एक शेड्यूल बनाइए, आपको जो जो काम करना है उसके लिए एक टाइम लिमिटेशन सेट कीजिए कि आज मुझे इतने टाइम में ये काम करना ही है। एट द एंड, एट द नाइट टाइम, जब आपका पूरा दिन गुजर जाता है उसके बाद आप ये देखिए कि किस टाइम में जो मैंने मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट सेट किया था, क्या उसके थ्रू या उस टाइम इंटरवल में मैं अपने टाइम काम को कंप्लीट कर पाया हूँ। अब जैसे ही ये टाइम कंप्लीट या कंप्लीशन का जो टाइम है एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जो मैंने सुबह डिसाइड किया था और बाद में जो मेरा काम कंप्लीट हुआ है। आज ये हो सकता है कि उस टाइम कंप्लीशन में आपको 10 मिनट ज़्यादा लगे हों, पर डेली जब ये प्रैक्टिस आपके साथ आ जाएगी, एक रूटीन वर्क में कंप्लीट हो जाएगी, तो एट द एंड ये होगा कि जो काम आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना था वो आपने 9 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। पर हुआ ये कैसे? क्योंकि आपने अपनी एक टेंडेंसी बना ली थी, आपकी जो एक रूटीन थी उसको आपने बना लिया था। हम सुबह से ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि वो एक अच्छा है, एक अच्छी आदत है, और हमें उस केस में हमें टाइम भी मालूम है कि हाँ मुझे 5 मिनट लगेंगे। तो क्या खुद को मोटिवेट करना, खुद में एक पॉजिटिविटी लाना, ये एक अच्छी आदत नहीं है? हम यदि इसी चीज़ को आज ये सीख जाएं कि हम अपनी पॉजिटिविटी मोटिवेशन खुद के थ्रू ही ला सकते हैं,
तो आई थिंक हमें किसी की भी जरूरत नहीं होगी कि जो मुझे आकर ये बताए कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है या आपको एक पॉजिटिविटी की जरूरत है। हम निगेटिविटी वर्ड को ऑलवेज हम ये बोलते हैं, कई बार हम ये सुनते हैं कि निगेटिविटी को आप माइंड से निकाल दीजिए। मत निकालिए आप निगेटिविटी को माइंड से। निगेटिविटी कहीं से भी खराब नहीं है, बस निगेटिविटी का जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो है कंपनसेशन ऑफ निगेटिविटी। आप जैसे ही निगेटिविटी को कंपनसेट कर लेते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार हम ये चीज़ देखते हैं कि हम बारिश के मौसम में कई बार ये चाहते हैं कि मुझे इंद्रधनुष दिखें, पर उस इंद्रधनुष के लिए हमें बारिश को सहन भी करना पड़ता है। तो वही चीज़ हमारे करियर से रिलेटेड है। मुझे एक सफलता की रिक्वायरमेंट है, पर उसके लिए ये भी हो सकता है कि मुझे डिफरेंट टाइप की असफलता को भी सहन करना पड़ सके। अब ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सभी इंसान असफल होंगे उसके बाद ही सफल होंगे, क्योंकि बार बार हम ये डिस्कस करते हैं कि ठीक है असफलता के बाद ही हमें सफलता मिलेगी, पर बेटर ये है कि जो असफल नहीं हो रहे हैं, मतलब वो पहले से ही उस एरिया में या जो उन्होंने कंसीडर किया है जिस फॉर्म में या जिस वे पर उनको जाना है उसके लिए वो बिल्कुल पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं। और ये एक उसका व्यू होगा कि हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ऑलवेज असफलता के बाद ही सफलता मिलेगी। यदि आप मेहनत को तरीके से शुरू कर रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग वे में शुरू कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक सफलता मिलेगी। बहुत पहले मैंने एक सुना था कि बच्चन साहब ने एक कहा था कि हमारे इंडिया में एक टेंडेंसी है कि आई थिंक जो यंगस्टर है वो सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन है और सभी उनको एज अ रोल मॉडल मानते हैं। तो उनका ये कहना था कि हर कोई सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन सकता है, हर कोई क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है। तो आप वाकई में यदि उनको अपना रोल मॉडल मानते हो तो सबसे बेटर ये है कि आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं आप उस फील्ड में उस मेहनत के साथ काम करें जो मेहनत सचिन तेंदुलकर ने एज अ क्रिकेट में दिखाई है। तो ये आई थिंक उनके लिए आपकी तरह से आपकी तरफ से बहुत ही बेटर भी होगा कि जो आप मान रहे हैं कि वो आपके रोल मॉडल हैं और आप आई थिंक उनकी जितनी भी पॉजिटिविटी को है वो अपने अंदर ले लेंगे। तो बेटर ये है कि आप जिसको रोल मॉडल मानना है केवल उससे काम नहीं होता कि हाँ मैंने मान लिया, वो कभी मिला तो मैंने जस्ट उसके सामने बोल दिया कि सर मैं आपको बहुत बड़ा रोल मॉडल मानता हूँ पर आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर क्या सीखा है आपने, क्या उनसे मेहनत करना सीखा या किस तरीके से वो इस ऊंचाई को छुपा है, क्या आपने वो चीजें सीखी? क्योंकि आप जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं शायद जरूरी नहीं है कि आप उसी फील्ड में जा पाए। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे पर बेटर ये है कि क्या आप उस लेवल की मेहनत कर पा रहे हैं। कभी भी इस बात से मत डरिए कि आप हार जाएंगे, हार के बाद ही जीत है। तो सबसे बेटर ये है, फिर से बार बार ये बोलूंगा कि कोई भी आपको पॉजिटिविटी नहीं देगा, ये जो पॉजिटिविटी है ये आपको खुद लाना है। कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, वो आपको खुद लाना है। जैसे मैंने इनिशियल जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने एक बात की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेडिटेशन एंड मोटिवेशन। मेडिटेशन हम डेली करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हम एक ध्यान लगा रहे हैं और उसके बाद मुझे कुछ सुकून मिलेगा। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, पर क्या यही चीजें डेली हम एज अ मोटिवेशन के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं? हम जब एक सुबह बैठते हैं आसन पर हम बैठते हैं उसके बाद हम मेडिटेशन करते हैं, तो क्या उस मेडिटेशन के बाद 5 मिनट का हम मोटिवेशन नहीं कर सकते हैं? और मोटिवेशन के केस में जस्ट हमें कुछ ऐसी बातें माइंड में लाना है, क्योंकि मेडिटेशन में जब हम बात करते हैं तो हम ऑलवेज ये करते हैं कि उस समय हमें सब भूल जाना है, पर मोटिवेशन में हम ये बात कर रहे हैं कि उस समय कुछ ऐसी चीजों को याद रखना है जो मेरी उस रूटीन वर्क या उस दिन को एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दे। और जैसे ही वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगा शायद उस दिन का काम मेरे लिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, और एट द नाइट या उस दिन को जब खत्म करने पर मैं देखूंगा कि मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ वर्क कर रहा हूँ। तो एट द एंड बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मोटिवेशन है वो अपने आप में एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। आपके माइंड में जो भी निगेटिव कंडीशन आ रही है आपको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। कई बार ये होगा कि हम उन चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप टाइम लीजिए, पर वो टाइम खुद के साथ होगा। उसके बाद एक चीज और, कई बार जो हमारे डिफरेंट चीजें माइंड में चलती हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, पर आई थिंक जिसका खाली दिमाग है वो भी उस चीज को पॉजिटिविटी में या उस चीज को बहुत ही बेटर वे में यूज कर पाता है। आजकल की हम एक रूटीन वर्क में देखें तो आई थिंक हमें अपने पूरे काम को एनालाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह से हम जाते हैं अपने कॉलेज का काम निपटाया, जो कोई वर्किंग वाले हैं उन्होंने अपने वर्किंग कंडीशन को पूरा काम निपटा दिया, एट द एंड आकर घर पे जितना भी काम था उसको किया और रात को सो गए। क्या हमने आज ये एनालाइज किया है कि जो हम करना चाहते थे हम वही कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं? कुछ दिनों पहले एक महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म आई थी,
वो भी जस्ट एक रेलवे स्टेशन पर बैठकर यही बात करता है कि एक्चुअल में जो मैं करना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ। तो आई थिंक जब हम ये बात कर रहे हैं कि खाली दिमाग है मेरा, तो उस समय शायद हम अपने आप का एक सेल्फ एसेसमेंट कर सकते हैं कि वाकई हमें करना क्या है। एक फॉरेन कंट्री में, कुछ फॉरेन कंट्री में एक जनरल से कुछ प्रोसेस चलती है कि जैसे ही एक टीनेजर 11th या 12th करता है, उसके बाद वो 6 मंथ या 1 ईयर का ब्रेक लेता है। अब आई थिंक हमारे यहाँ यदि हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आई थिंक उस एक साल का कुछ भी यूज नहीं होगा, और आई थिंक ये हो सकता है कि उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाए। तो बेटर ये है कि जो मुझे एक टाइम मिल रहा है वीक में कम से कम 3 to 4 आवर्स, ये चीज देखिए जिसमें आप केवल सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जब आप सेल्फ असेसमेंट करने के बाद बाहर निकलेंगे तो आपको खुद एनालाइज होगा कि मैं अपने काम को किस तरीके से कर रहा हूँ, और ये आपके काम में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगी। तो बेटर ये है कि पॉजिटिविटी, फिर एट द लास्ट टाइम मैं फिर बोलूंगा कि पॉजिटिविटी और मोटिवेशन केवल आपकी एक पॉजिटिव एक्टिविटी से ही आएगी, और इसका अदरवाइज कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। थैंक्स अ लॉट।